अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन सदकल्लाहु अज़ीम। मैंने जो आयत पढ़ी है ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह ये वो किताब जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। पहला पन्ना हमने कुरान शरीफ का खोला है ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन। दुनिया की कोई भी किताब खोल लो, स्कूल की हो, मदरसे की हो, किसी मौजू पर लिखी गई किताब हो, पहला पन्ना जब आप खोलते हैं, चाहे वो पेशे लफ्ज हो, दिमाचे हो, पृष्ठभूमि हो, जो भी हो, जो मुसन्निफ राइटर लेखक उस किताब को लिखता है, इस किताब का निचोड़ वो एक पन्ने में बयान कर देता है। शुरू में ये इस मौजू की किताब, इसका सब्जेक्ट ये है, इस किताब में ये अच्छाइयां हैं, इसको लिखने में इतनी परेशानी हुई, सारी बातें वो लिख देता है। आखिरी में लिखता है कि मैं इंसान हूं, अगर गलती हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दे, मुझे इत्तला दे दे, मुझे खबर कर दे, मैं नेक्स्ट एडिशन में उसको सुधार लूंगा, ठीक कर लूंगा। अगर अभी तक ध्यान में भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे घरों में कभी कोई स्कूल की किताब उठा करके देख लिया, कोई दीनी किताब आप देख लिया, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि गलती ना हो, लेकिन कहीं कोई गलती मिल जाए तो हमें खबर करें, इन्फॉर्म करें, हमने नेक्स्ट एडिशन में जब दोबारा किताब छपेगी हम उसको दुरुस्त कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। दुनिया की हर किताबों का यही दस्तूर है, हर मुसन्निफ, हर लेखक, हर राइटर यही लिख रहा है कि अगर गलती नजर आए तो फिर हमें इन्फॉर्म कर देना। ये इंसान बता रहा है, ये किताब के लाइन बता रहे हैं, किताब का पन्ना बता रहा है कि इंसानों की लिखी किताब है, इसलिए गलती का इम्कान है इसमें, उनको खबर कर दिया जाए, नेक्स्ट एडिशन में ठीक कर लेगा। लेकिन जब हम कुरान खोलते हैं, चाहते हैं
कुरान हिदायत कैसे देता है, हुदा लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है, ऐसे हमने चाहा कि कुरान पढ़े। तो जहां हम छूने के लिए गए, घर में किसी ने कह दिया, अब्दुल वाही भाई ने कहा पाक साफ है, तो पाक साफ होना पड़ेगा कुरान पढ़ने के लिए, पाक साफ हो गए, कपड़ा पाक है, कपड़ा भी पाक कर लिया। अब लेकर के जहां बैठे जगह पाक है, घर की भी सफाई हो गई, साफ सुथरा कर लिया, अभी कुरान खोला नहीं है, ये कुरान पाक का एजाज है, अभी खोला भी नहीं कुरान को, हिदायत शुरू हो गई, आपने जिस्म पाक कर दिया, आपने कपड़े को पाक कर दिया, आपके घर को पाक कर दिया, अगर पढ़ ले तो दिल को भी पाक कर ले। अब बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, माँ ऊपर बाप ऊपर उस्ताद ऊपर बैठे हैं, बच्चा पढ़वा लीजिए, जैसे ही उसने कुरान शरीफ रखा खोलना चाह रहा है, बाप ऊपर आओ, बाप नीचे, बेटा ऊपर जाओ, माँ नीचे, बाप ऊपर जाओ, उस्ताद नीचे, बाप ऊपर चले जाओ, क्या बात है, बच्चे का मकाम माँ से ज्यादा है क्या, बाप से बढ़ गया, उस्ताद से आगे निकल गया, बाप नीचे हो बेटा ऊपर हो बेअदबी है, उस्ताद नीचे हो शागिर्द ऊपर बैठे अदब के खिलाफ है, लेकिन सब ऊपर बैठा रहे हैं, बापू ऊपर बैठो, बच्चा ऊपर बैठो, मुन्ना ऊपर बैठो, सबके सब नीचे आ गए, क्या बच्चे का मकाम आला हो गया है, आखिर वजह क्या है, वजह सिर्फ इतनी है, क्या कुरान आना है, जो उसको पढ़ता है उसको भी आना क्या कहते हैं, रास्ते में बच्चे चला जा रहा है, सीने में सीने से लगाए हुए चला जा रहा है, आगे आलिम साहब है, सूफी साहब है, अल्लाह के वली है, हाफिज साहब है, जैसे ही देखा हाफिज साहब ने बाबू आगे चलो, आलिम साहब ने देखा बाबू आगे चलो, सूफी साहब ने देखा, अल्लाह के वली ने देखा बेटा आगे चलो, आगे आगे चलो, खाना करोड़ के आगे चलना बेअदबी है, सूफिया के आगे चलना अदब के खिलाफ है, ये छोटा सा बच्चा सब कह रहे हैं आगे चलो, ये आलिम से ज्यादा मकाम हो गया है, सूफी से ज्यादा मर्तबे में पड़ गया है, ये हाफिज से ज्यादा आगे कर देता है।